अलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ ज़ारा अली और मैं हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे वाइटनिंग ब्लीच की, जो हम आप मैं आपको होम रेमेडीज़ की से सिखाऊंगी, घर की प्रोडक्ट से सिखाऊंगी। और ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये आपको ब्लीच का इफेक्ट तो देगा, लेकिन इससे जो है बाल गोल्डन नहीं होंगे आपके, इसीलिए ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से इस्तेमाल होने हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये ओट्स मिलते हैं बाज़ार के, ये 250 के हैं आता है ये डब्बा, और ये फुल भरा होता है। आप देख सकते हैं इसका, ये फुल भरा होता है। अगर आप एक मरतबा इसको इस्तेमाल कर लें, ले आए घर में, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ जो है मैं आपको सिखाऊंगी आपके फेस के लिए। जो ओट्स हैं वो फेस के लिए, क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और इनका इंस्टेंट रिजल्ट है। सो व्यूवर्स, इसको आप ज़रूर लेके आइए, इतना एक्सपेंसिव नहीं है और ये बहुत अच्छा है। ये खाने से खाते भी हैं सीरियल की तरह, सुबह के टाइम पका के पकाते भी हैं, और इसको ये इसके फेस के लिए, वाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्ट है इसके। तो मैं अब आपको सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपने चावलों का आटा लेना है। 1 चम्मच हमने चावलों का आटा लेना है इसके अंदर, और एक चम्मच हमने इसके अंदर ये ओट्स लेने हैं, जो मैंने अभी आपको डिब्बा दिखाया ओट्स का, और 1 चम्मच वो लेना है। उसके बाद 1 चम्मच हमने इसमें आलू का जूस लेना है, आलू का रस निकाल लेना है। 1 चम्मच हमने इसमें आलू का रस लेना है। हाफ लेमन हमने इसके अंदर स्क्वीज कर लेना। और इसमें हम थोड़ा सा ग्लासरीन यूज करनी है हमने, चंद कतरे, ये देखिए बस इतना सा हमें इसमें ग्लासरीन यूज करना है। और इसमें हमने थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ करनी है। अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है तो उससे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं मार्केट की यूज़ कर रही हूँ, तो आप घर की यूज़ करें तो बहुत अच्छी है। 1 चम्मच जो है हमने इसमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल करनी है। उसके बाद अगर आप ये फेस पे यूज़ करने लगे हैं ब्लीच, तो आपने सिर्फ इसका चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है। मैंने इसको हाथों पे करना है, तो इसको मैं हाफ चम्मच जो है ना मैं यूज़ करूँगी। देखिए मैं हाथों पैरों पे करने लगी हूँ, तो ये देखिए इतना स्पून लेना है। और अगर आपने फेस पे यूज़ करना है तो आपने सिर्फ हाफ चम्मच लेना है इसका। मीठा सोडा, ये मैंने मीठा सोडा इस्तेमाल किया है, खाने का सोडा जो हम चने वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं, ये देखें। अगर आपको ये पेस्ट ठीक लगता है तो आप इसके अंदर दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर है कि आप दूध इस्तेमाल करें। मैं इसके अंदर पानी से इसको एक थिक फॉर्म बना लूँगी। दो दो जो है ना हमने पानी डाला, एक दो तीन कतरे जो है हमने पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे। बेहतर है आप इसमें दूध डालें। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि मीठा सोडा जो है वो इसके अंदर हल हो जाए। अब हमने 2 मिनट छोड़ना है इसको, क्योंकि जब जिस तरह ब्लीच जो है वो फूलती है, वैसे ही ये मीठे सोडे की वजह से ये ब्लीच का इफेक्ट देता है। तो इसलिए मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, आप इसे ब्लीच की तरह ही हाथों पे अप्लाई कर लेना। और आपको ब्लीच की तरह ही इस पे इससे चुभन भी होगी, क्योंकि इसमें मीठा सोडा डाला हुआ है हमने। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप पहले मुंह पे ग्लासरीन लगा लें हल्की सी, और उसके बाद इसको अप्लाई करें, और कम से कम 15 मिनट आप इसको अप्लाई करके रखें। ये मैंने इसको अप्लाई कर लिए। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगी, 15 मिनट बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको रब करके उतार देना। मैं आपको जो है वो छोटी वीडियो बना के दिखा रही हूँ, आपने इसको कम से कम 15 मिनट लगा के रखना है और उसके बाद इसको उतारना है। तो मैं आपको व्यूवर्स इसको अभी रिजल्ट दिखा दूँगी इसका, बस इसका मसाज करके। आपने इसको 15 मिनट छोड़ के और फिर मसाज करना है,
और इंशाल्लाह ताला इसकी वाइटनिंग का रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। और ये होम रेमेडीज से है, घर के जो है प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और इसको जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो कहते हैं कि हमारे हाथ पाँव जो है वो बहुत ब्लैक है, तो हम वाइटनिंग चाहते हैं, तो ये वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं अब आपको उसको धो के दिखाती हूँ। ये देखें, आप मेरे हाथ का रिजल्ट देख सकते हैं, और अभी मैंने इसको 15 मिनट नहीं छोड़ा है। ये आपको बहुत अच्छी वाइटनिंग भी देगा, और ये जो आपके रिकल्स ब्लैक है इनको भी साफ़ करेगा। और आप इसको हफ्ते में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप फेस पे, पूरी बॉडी पे, जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो साथ साथ मिलती रहें। सो व्यूवर्स, मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।